ऋषि जी, अगर पूछताछ के लिए सीबीआई आई किसी के घर, तो उसमें इतना हंगामा क्यों हो? एक और ये थ्रेट, ये पोस्चर क्यों हो कि अगर कुछ हुआ तो केंद्र सरकार को हिला देंगे, याद रखेंगे, बदला लिया जाएगा टाइप का ये जो पोस्चरिंग है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाती? नहीं, अगर मान ले मुकदमा है, केस है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कभी कोई केस नहीं लगा और सीबीआई आ गई सीधे, और अगर सीबीआई आ भी गई तो क्या जी? अमिताभ जी, सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई। आपको भी भैया, आपको भी जी। एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल ही साफ करना चाहता हूँ कि ना तो यहाँ पर हम वकील हैं और ना अब जज हैं। किस पर आरोप कौन लगा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो अभी बहुत कुछ बोल रही थी शर्मा जी, उनको एक चीज बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। इस बात को अगर वो कुछ बोलती है, किसी पे आरोप लगाती है, तो उससे पहले उनको इस बात को याद रखना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है, कुछ पार्टी और है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन जनता पर विश्वास नहीं है, अपने वोटरों पर विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अपने वर्कर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब पर विश्वास है। इसलिए इनको पता है कि हम जब तक जो लोग हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं उनको इनके माध्यम से कमजोर नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। उनको इस बात का पता है कि राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू, कांग्रेस का जो अलायंस, लेफ्ट पार्टीज का जो अलायंस हमारे राज्य में बना है, अगर ये अलायंस रहा तो भारतीय जनता पार्टी को 40 में एक सीट नहीं मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ही पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारत की बिहार से ही बदलाव पूरे देश में यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है। एके मिश्रा जी, कौन है राशाल नहीं आएंगे? कौन आरोप लगा रहा नहीं लगा रहा छोड़िए, जो आरोप तो बात की चीज है, जिसमें घटना घट चुकी, मुंसिफ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक सब हो गया, वो मसला है कि चारा घोटाले में लालू जी को सजा हुई, चार चार मामलों में सजा हुई। ठीक, पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या होता है भाई? ये एक बड़ा सामान्य सा, एक वो सरल सा हंडा उपाय हो, सबके हाथ में आ गया। जब अपना आदमी बंगारू थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, है उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, बंगारू को फांसी क्यों नहीं टांगा? लालू यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? और अगर है तो इसका इस बात से क्या नेताओं को, अगर वो विपक्ष में है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, किसी भी तरह की जांच से एग्जेम्पशन हासिल हो जाएगा क्या? मिश्रा जी, अमिताभ जी, संविधान के हिसाब से आप अगर कोई गुनाह करते हैं, भ्रष्टाचार हो चाहे जो हो, तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, आप अपनी चालाकी होशियारी से उसको छुपा सकते हैं, एक से ज्यादा गुनाह किए हैं तो उसके प्रोविजंस हैं। अब चूंकि ये राजनेता लोग हैं, अब ये देखिए, इनमें से कोई भी आदमी, चाहे केजरीवाल हो चाहे आरजेडी के, बीजेपी के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सारे प्रूफ है तो ये लीगल एक्शन नहीं लेते हैं कि जाके कोर्ट में केस करें कि भाई इन्होंने किया था इस पे क्या। भाई केस तो उनके ऊपर भी हो सकता है, ये केवल पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मीडिया में बयान देना और ये सारी चीजें करना, चुनाव में कहां तक सक्सेस होंगे मुझे पता नहीं, मेरी शुभकामनाएं है। रोहिणी मैम ने लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जो बोला, खैर मैं समझता हूँ शायद उन्होंने ही लीवर्ड भी डोनेट किया था, तो इन कामों के लिए तो सैल्यूट है, ये उनका एक इमोशनल बस्ट आउट है, होना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रोहिणी मैम या आरजेडी के लोग, जो उन्होंने एक लाइन बोली कि समय बड़ा बलवान होता है, जब उनका समय बलवान था तो क्या ये मुहावरा, ये चीज उनके दिमाग में नहीं थी? आप सब लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी है और आपको पता होगा कि अपने टाइम पे क्या हुआ।
लालू यादव जी ने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पत्रकार को बोला था तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, कुछ मन मुटाव गुस्सा हो गया था और ना जाने क्या 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 चीजें। तो समय उनका बलवान था। अब भाई आप बीजेपी को, संविधान को, ईडी को, सीबीआई को, अमिताभ अग्निहोत्री, ए के मिश्रा, फलाने को दोष मत दीजिए। जब सब कुछ समय का खेल है तो आप समय को ही बोलिए कि भाई समय बलवान है, मेरा समय खराब है, मेरा समय ठीक है। मिश्रा जी किसी पे मत लगाइए, ठीक बात। मैं ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। समय को परिवर्तित, मैं सारे सारे नेताओं से कहूंगा, संजीव भाई की पार्टी के भी, ऋषि जी के पार्टी के भी, या जिस जो और भी पार्टियों के देश भर में हो, है जहाँ भाजपा गैर भाजपा शासन है वहाँ भाजपा ही हो, जो अगर कहीं जेल में फंस रहे हो उन सबके सबके लिए कहूँगा, अपने अपने मानहानि का केस करो ना अदालत में कि मेरी प्रतिष्ठा है उसकी हानि होगी, करो, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, करो ना, कि मुझे ईडी ने आरोपित किया, ईडी के खिलाफ मुकदमा करो मानहानि का, सीबीआई के खिलाफ करो, पुलिस के खिलाफ करो, सब नेताओं से कह रहा हूं। लालू जी वर्षों बरस जेल काटे, काटे ना, किसी पार्टी के कहने से तो नहीं काटे, अदालत अभी नहीं आएंगे, अदालत के कहने से काटे ना, तो इतना तो मानना पड़ेगा, उनके भी मुकदमा चले, उनकी भी जजमेंट आए, क्या दिक्कत है इसमें। नेहा शालिनी दुआ, आरजेडी कह रही है कि भाजपा को किसी पर भरोसा नहीं, इसलिए वो ईडी और सीबीआई के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत कराना चाहती है। जी देखिए, ये तो आज विपक्ष पार्टी ने एक जुमला सा बना लिया है, वो दूसरों को जुमलेबाज बोलते हैं, सबसे बड़े जुमलेबाज आज विपक्षी पार्टियां ही हैं। सोचते हैं हम करें सारा कुछ, हजारों करोड़ों के घफले करें, लेकिन हमसे ना तो ईडी पूछे, ना हमसे एसबीआई पूछे, सॉरी सीबीआई पूछे, ना कोई भी नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे, कोई पूछेंगे तो हम ये कह देंगे ये तो इनके हाथ की पपेट है, ये तो तोता है। सिंपल सी बात है, अपने कामों को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ये लोग बार बार इकट्ठे, आज सारा विपक्ष इकट्ठा क्यों हो गया है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा भ्रष्टाचारी नेता जरूर निकलेगा जिसने लाखों करोड़ों का घोटाले किए होंगे। अरविंद केजरीवाल जी के पास मैं सिंपल से एक बात पूछना चाहूंगी हमारे संजीव जी से, आज तक का कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जिसने कोई विभाग अपने पास ना रखा, कोई एक चीफ मिनिस्टर भी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इतने महान नेता हैं कि उन्होंने एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था घोटाले तो मैं करूंगा, लेकिन जेल में अपने साथियों को, जो भी मेरे साथ होंगे, उनको भेजूंगा ही भेजूंगा। यही कारण है कि आज तक की डेट में उनके पास एक विभाग भी नहीं। अब हम बार बार बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं जेल करते, मुझे क्यों नहीं जेल करते। अरे आपको कैसे करें जब आपके पास विभाग ही नहीं है, आपने दे किसी और को विभाग रखे हैं तो वही जेल जाएंगे ना। अब मनीष सिसोदिया जी इसलिए जेल जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ों का घोटाला किया है और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को खूब फायदा कराया इलेक्शंस में। पैसा कहां से आया? वहीं से ही आया था। तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। ये मानिए, ये तो बड़ा पुरानी कहावत है, बचपन में सुनते थे स्कूल में। पटना ऋषि जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपका जो बहुत विश्वसनीय और बहुत लंबे समय का एक एलाइज पार्टनर कांग्रेस, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कह और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ठीक, मनीष सिसोदिया को लेकर जो अभी चिट्ठी लिखी गई जिसमें 9 लोगों ने दस्तखत किए, उसमें तेजस्वी यादव के भी दस्तखत हैं, और आपका सबसे पुराना और बड़ा एलाई जो है कांग्रेस, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, तो मामला थोड़ा उलझ नहीं गया? अमिताभ जी, होली का असल मजा आप ही ले रहे हैं, सब तो हम लोगों को आपस में आप ही लड़ा रहे हैं यहाँ पर बैठ के आज। नहीं, मैं तो भाई उन्होंने कहा ना कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस ने कहा अरविंद बी टीम है, सुन लीजिए, और वो कह रहे हैं कि ईमानदार कोडवर्ड है, जिसके लिए अरविंद जी ईमानदार बोल देंगे वो हफ्ते भर में निपट जाएगा, ऐसा कुछ होए काम। अरे भाई बड़ा मजा ले रहे हो भाई, एक चीज समझ लीजिए अमिताभ जी, जी हमारा मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल स्टैंड है कि पैन इंडिया ऑपोजिशन यूनिटी में कांग्रेस के बिना हो नहीं सकता है। आप अगर आप देखिएगा पूरे देश को,
तो कांग्रेस ऑपोजिशन यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक उन उन ये इन दोनों का मामला है, आप और कांग्रेस का मामला है, वहां पे उन लोगों का आपसी इशू है, लोकल इशू है, इसलिए उसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 है। 2024 के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं थोड़ा सा त्याग करें, हम लोगों से सीखें। हम लोगों ने जो बिहार में किया है वो एक एग्जाम्पल बने पूरे देश के लिए, और सबको एक होकर हमारा अभी मकसद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है ठीक, उनको सरकार से बाहर करें। और शालिनी मैडम अभी बहुत बोल रही थी, शालिनी जी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हमारी हैसियत नहीं है आप पर आरोप लगाने की, हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, अडानी के इशू पर जेपीसी क्यों नहीं मान लेती है आप लोग, क्या दिक्कत है उसमें, क्यों उसमें उसमें क्या छुपाना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनके ठीक ऋषि बाबू उनसे उत्तर ले, बीजेपी से उत्तर लेते, बीजेपी से उत्तर लेते।